विज्ञान के चमत्कार में एक ऐसा चमत्कार है जो आपको आए दिन कहीं ना कहीं, कहीं फेसबुक में, कहीं इंस्टा पे, कोई ना कोई आपको एक वीडियो, एक ऐसा आर्टिकल शेयर कर रहा होगा जिसमें आपको ऐसा मिलेगा कि एक लेडी है, एक महिला है जिसका नाम है सलवा हुसैन, उसके पीठ पर एक कृत्रिम दिल रखा हुआ है और वो लगभग 6 किलोग्राम का कृत्रिम दिल लेकर अपने पीठ पर अपनी ज़िंदगी को चला रही है। वो कौन सी ऐसी घटना है जिसको आप हृदय विदारक भी कह सकते हैं, और उस सबसे, अगर सबसे बड़ी बात बोलूँ तो सोचो उस महिला के बारे में, उसमें कितना साहस है जो अपने हृदय को वो अपने बैग में लेकर चलती है और अपनी ज़िंदगी को चला रही है। यह अटा भी बहुत ही मज़ेदार है और अगर आप सोचिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और लोग अपने जीवन और कह लीजिए संघर्ष करना छोड़ देते हैं, यहाँ पर आप संघर्ष के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल पे भी उसके उदाहरण को लिया जाता है। तो आइए हम बात करेंगे, पूरा का पूरा जो सेशन लेसन है वो विज्ञान तकनीकी पर है और ये हमारा लेसन नंबर 82 है। इसके पहले हमने 81 लेसन पूरे कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आप इन लेसन को लगातार सुनते आ रहे हैं और आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा। और एक बात और बता दूँ, पिछले जो मैंने 80 लेसन्स बनाए थे जिनमें पीछे जो अभी UPSC प्रीलिम्स 2022 का पेपर हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं, फिर मैं आपसे कहता हूँ मेरे साथ लगातार इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रणी है, मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है, मेरी एक संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से गोरखपुर में, जहाँ आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। 18 वर्षों से अधिक समय से मैं आपको लगातार सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ, 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो चयनित हो चुके हैं। मेरी दो पुस्तकें आती हैं, विज्ञान तकनीकी में और दूसरा पर्यावरण में, और दोनों ही मैकरा हिल प्रकाशन से प्रकाशित होती हैं और भारत में सर्वाधिक पॉपुलर और बिकने वाली किताबों में हैं, टॉप 10 की रैंकिंग्स में भी ये किताबें आती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीन पर दे सकते हैं t.me/RaviUPSC_Academy, यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे PDF मिल जाते हैं और PDF के साथ साथ आपको यहाँ पर मेरी सारे के सारे वीडियो लिंक्स भी मैं आपको लगातार यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, आप यहाँ पर पा सकते हैं। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, unacademy.com/RaviP2010, यहाँ पर आपको मेरी सारी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं और प्लस के अलावा मेरी आपको यहाँ पर स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं जो कि निःशुल्क होती हैं। मेरा कोड RaviUPSC है, जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं RaviUPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट दे दी जाती है। अनअकैडमी आपको बेस्ट एजुकेटर्स एक ही जगह पर देता है UPSC CSC के लिए, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, अनअकैडमी पर आपको ये सारे के सारे जो अध्यापक हैं ये पूरी तरह से अनुभवी अध्यापक हैं, तो आप सबको अनअकैडमी पर जुड़ना चाहिए, आपको एक बढ़िया ऑप्शन दिया जाता है। अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें मैं कुछ चीज़ों पे आपको ब्रीफ में टिप्पणी कर देता हूँ। पहला, हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं एजुकेटर से पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए। आपको बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस भी होते हैं, आपको कोर्सेज वगैरह अगर बदलने हैं तो अनलिमिटेड व्यूज़ और लेक्चर्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हम आपको लगातार देते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको दिए जाते हैं, एंड टू एंड प्रिपरेशन में मदद मिलती है, लाइव मेंटरशिप मिलती है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आप मुख्य परीक्षा के लिए हमारे साथ कर सकते हैं। पिछले साल 178 से ज़्यादा टॉपर्स हैं जो अनअकैडमी के छत्र छाया में कहीं ना कहीं इन्होंने किसी भी तरीके से हेल्प लिया है, जिनमें आप टॉपर्स 3, 4, रैंक 5 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी में जो प्राइजेस हैं वो 8 जून के बाद बढ़ने जा रहे हैं, 20% तक प्राइस हाइक होने जा रही है और अभी अगर आप पुराने रेट पर अगर लेते हैं तो 10% तक आपको अतिरिक्त छूट भी मिल जाता है। CSC SC और एक ऑप्शन है जो अनअकैडमी आपको देता है, अगर 2 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन में ज़रूरत पड़ती है तो अतिरिक्त कह लीजिए कि वर्षों के लिए आपको भी सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड किए जाएंगे आपकी ज़रूरत पर। इस समय आप RaviUPSC कोड को यूज़ कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी 2022 के लिए देता है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और डायरेक्टली आप जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप होती है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपको दिया जाता है। फाइनली हम उस विषय पर हैं जिसका नाम है बैग में कृत्रिम दिल, जो कि दिल दहलाने वाली बात है। और जो मैंने उस लेडी के बारे में बोला, सलवा हुसैन के बारे में, तो काफ़ी हद तक अगर हम बात करें तो बहुत ही हिम्मती वो लेडी है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर स्क्रीन पर करने वाले हैं। आप सलवा हुसैन के हाथ में देख सकते हैं और उसकी पीठ पर देख सकते हैं 6 किलो का एक पीठ थैला, 6 किलो का एक पीठ थैला,
है और ये एक मशीन है जिसमें एक कृत्रिम दिल है जो धड़क रहा है, और वो कृत्रिम दिल ही जो उसने फ्रंट में अपने बैक को लेकर दिखाने की कोशिश की है। चेहरे पर स्माइल देखिए, इस मासूमियत को देखिए, इस महिला की, महिला का हिम्मत देखिए, अपने हृदय को लेकर चल रही है, अपनी ज़िंदगी को संभाली हुई है ना। और आगे बढ़ते हैं, आपको देखिए असल में न्यूज़ क्या है। सेल्वा असल में जो है वो यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली हैं, और 2017 में एक्चुअल में इनके साथ एक हादसा होता है। हादसा ये होता है कि कुछ सुनने में आता है इनकी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दिक्कतें होती हैं इनके, धीरे धीरे जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है हार्ट में, जैसे आप चैम्बर कहते हैं, वेस्ट या कोस्ट जिसे आप कहते हैं, वेस्ट में या कोस्ट हिंदी भाषा में, चैम्बर भी बोल सकते हैं उसको, हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, है ना, हिंदी भाषा में निलय कहते हैं। इस महिला के साथ क्या होता है, इसका निलय जो होता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर एक कृत्रिम हार्ट लगाया जाता है। तो कृत्रिम हार्ट पूरी तरह से वेंट्रिकल्स को सपोर्ट देने के लिए, वेंट्रिकल्स की तरह यानी कह लीजिए आप निलय की जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2017 में ये चीज़ न्यूज़ में आती है, ठीक है, और ये बैग में लेकर इसको चढ़ना पड़ रहा है, इस कृत्रिम हृदय को अपने जीवन को चलाने के लिए। इसके बैकपैक जो पीठ पे जो रखा हुआ, उसमें एक बैटरी है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है और एक पंप है। यही पंप है जो लगातार रुधिर को पूरे शरीर में प्रवाह कराने में मदद करता है, जैसे कि हमारे शरीर में हृदय करता है। इसका सीधा कहने का तात्पर्य है कि इस महिला के हृदय में धमनी है, आर्टिकल है ना, एट्रियम है, सिर्फ वेंट्रिकल वाले पार्ट में दिक्कत है, ठीक है। और ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल हार्ट के साथ ही अस्पताल से इसे छुट्टी मिली, और ये ब्रिटेन की पहली ऐसी महिला है जिसके शरीर के साथ एक कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। उसको अपने साथ एक दूसरी यूनिट भी हार्ट की लेकर चलती है उसके साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टैंड बाई पर लेकर चलती है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और बताता हूँ, उसके लिए साथ हमेशा उसके अपने पति और उसके कोई एक अन्य देखभाल करने वाला व्यक्ति अक्सर उसके साथ रहता है। और बता दूँ, अगर अगर मशीन में कोई दिक्कत याद आती है तो 90 सेकेंड का टाइम होता है उसे बैकअप करने के लिए, उसे बदलने के लिए। सोचिए कितना हिम्मती होना, इतना हिम्मती होना, ठीक है, अपने आप में इस महिला के बारे में बताता है। बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस में भी इस महिला के बारे में नाम लिया जाता है। होता कुछ नहीं है इसमें, बैकपैक से होता क्या है, इसमें प्लास्टिक के ट्यूब्स होते हैं जो मशीन से जुड़े होते हैं, और वो वही प्लास्टिक के ट्यूब होते हैं जो हार्ट में जोड़ दिए जाते हैं। हार्ट में असल में चैम्बर होते हैं, हृदय में कक्ष होते हैं, वेस्ट में होते हैं, कोस्ट होते हैं, उन्हीं के द्वारा जोड़ दिया था गुब्बारों की मदद से, ठीक है। आपको मैं कुछ चीज़ें ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा आप समझिएगा इस पिक्चर में, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखिए जो हार्ट होता है उसमें चार चैम्बर होते हैं, ये मान लीजिए राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल का मतलब होता है दायां अलिंद, ये मान लीजिए लेफ्ट ऑरिकल है यानी बायां अलिंद, ये देखिए नीचे के एरिया में मैंने आपको बताया राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, और ये देखिए ये है बायां वेंट्रिकल यानी बायां निलय, ये चार है, देखिएगा है ना। इसमें होता क्या, ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है ना नीचे वाला, ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से निकलती है क्या, यहाँ से निकलती है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। ये देखिए ये वेंट्रिकल वाला पार्ट है, और यही वेंट्रिकल वाला पार्ट जैसे मैं निलय कह रहा हूँ, यही इसी में खराबी होने की वजह से नीचे वाले एरिया में आपको एक सपोर्टिंग हार्ट लगाना पड़ता है, जो यहाँ पर इस लेडी में भी लगाया गया है। समझ में आ रही बात। अब देखिए यहाँ से एक्सल में होता क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाता है फुफ, ये फेफड़ा है, और ये फेफड़ा जो होता है ये आपके नाक के रास्ते जुड़ा हुआ है, और ये पाइप जो है वो यहाँ से होके गुजर रहा है। तो जो पाइप यहाँ से होके गुजर रहा है ना, यहाँ देखिए ये पाइप नहीं है, ये असल में इसको हम बोलते हैं दोस्त फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी वो धमनी जो आपने बचपन में या विज्ञान में भी पढ़ा होगा, ओके, तो वहाँ पर मैंने बताया था ये ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ से इसको जोड़कर लंग्स के साथ ये इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है, और यहाँ पर CO2 को आप फेफड़े के माध्यम से निकाल देती है, और वहीं दोबारा फिर ये लेफ्ट ऑरिकल के अंदर फिर ये फुफ्फुस सिरा के माध्यम से शुद्ध रुधिर को लेकर जाती है, और इस तरह करते करते फिर वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर फिर ये महाधमनी जिसको एओटा कहते हैं वहाँ से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है शुद्ध रुधिर। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर आपको क्या मिला, निलय, यहाँ पर क्या मिला, निलय, यानी राइट वेंट्रिकल दायां निलय और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, और इन्हीं निलय से जाना और दो आना फिर जाना, यानी कि आप ये कह लीजिए कि निलय से जो होता है ना, वहाँ से रुधिर सिर्फ जाता है, एक बार यहाँ शुद्ध रुधिर गया, एक बार यहाँ शुद्ध रुधिर। और आपको इसीलिए बताऊं कि हम लोगों के शरीर में पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर जाने के पहले हृदय में दो बार रुधिर आता है, पहली बार ये देखिए आया
है ना, अशुद्ध था, दूसरी बार शुद्ध होकर फिर आया फिर पूरे शरीर में। इसीलिए हम लोगों के शरीर में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, द्वि परिवहन तंत्र की संज्ञा भी दी जाती है मानव के शरीर में। फिलहाल हमें हमें हृदय की तंत्रिका सॉरी हृदय की क्रियाविधि नहीं पढ़नी है। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम को देखिए, एक ट्यूब ये है और दूसरा ट्यूब ये है, समझ में आ गई बात। एक अब देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, ये एक ट्यूब है जो इसको इस सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा ट्यूब है जो उसको इस सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से दो ट्यूब की मदद से इस महिला के अंदर पूरे के पूरे हार्ट की तरह ब्लड का, मतलब जैसे हार्ट पूरे ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, इसके अंदर भी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त हृदय के वेंट्रिकल्स को हो जाने के बाद इस तरह की चीज़ों की जरूरत है। वेंट्रिकल्स मतलब मैंने अभी बोला निलय, इस तरह के तंत्र की जरूरत पड़ती है और इसको कहते हैं टोटल आर्टिफिशियल हार्ट। ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने नाम दिया टोटल आर्टिफिशियल हार्ट। टोटल आर्टिफिशियल हार्ट का ही वो प्रोसेस है जो मशीन अपने बैक पे लेके घूम रही है, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर जो है वो आपको TAH यानी टोटल आर्टिफिशियल हार्ट लगाने की राय तब देता है जब आपका वेंट्रिकल्स खराब हो जाता है। और ये वेंट्रिकल खराब होने के बाद, ये निलय के खराब होने के बाद दीर्घकालिक मदद की आवश्यकता इससे होती है। और जो टोटल आर्टिफिशियल हार्ट है TAH सर्जरी कुछ ऐसे रोगियों में वैकल्पिक उपचार भी हो सकता है जिनमें हृदय विदय का देखिए ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है। लेकिन TAH से एक समस्या भी आती है कि ये रुधिर के थक्के वक्के भी जमा देता है जो हमारे लिए खतरनाक होता है। अब बात ये होती है आर्टिफिशियल ये काम कैसे करता है, कुछ नहीं है। जो मैंने आपको भी पिक्चर दिखाया था ना, बस ये जान लीजिए नीचे वाला जो एरिया है ना नीले वाला, उसको अब मशीन से जोड़ दीजिए दो ट्यूब से, बस उससे ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। वर्किंग मैकेनिज्म आपके यहाँ नहीं आने वाला है, निलय हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए कह भी रहा है कि जो लोअर ऑर्बिट की जगह होती है निचले कक्षों में, ये कक्षों में असल में आपको बताऊं ये ऑर्बिट वो ऑर्बिट नहीं है, है ना। ये असल में क्या होना चाहिए, ये ऑर्बिट गलत नाम है, यहाँ पे एक्चुअल में चैम्बर होना चाहिए। हृदय में सही नाम चैम्बर होते हैं, जिसे हम कोष्ठ या वेश्म कहते हैं, जिसे हम कोष्ठ या वेश्म कहते हैं, ठीक है। और उसे निलय कहा, देखिए लिखे लिखे उसे क्या बोलते हैं, निलय कहा जाता है नीचे वाले भाग को, ठीक है। और यहीं पर एक एक बैटरी का भी यूज़ किया जाता है, पावर सोर्स भी, जिससे वो लगातार पंप चलता रहे, ठीक है। वही देखिए फिर वही हृदय की प्रमुख धमनी के माध्यम से फेफड़ों शरीर के बाकी हिस्सों में रुधिर, अभी मैंने दिखाया था पूरा का पूरा मैकेनिज्म, वो लेकर चलता। इनके अंदर भी चार यांत्रिक वाल्व होते हैं कि अगर रुधिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है फिर वो लौट के ना आवे इस टोटल आर्टिफिशियल हार्ट में। इवन हम आपको बताएं जो जो हार्ट होता है ना, ये देखिए अभी मैंने आपको ऐसे सिंपल एक पिक्चर समझाने की कोशिश की, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, है ना, बायां दायां लिंद है, बायां लिंद है, दायां निलय है, बायां निलय है, ठीक है। बायां इनके इनके बीच में यहाँ जो है वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड, यहाँ बाइकस्पिड, यहाँ पे भी अर्ध मून शेप वॉल्व होते हैं ना, अर्ध चंद्रकार। तो ये सारे के सारे वॉल्व हमारे नेचुरल हार्ट के अंदर ही पाए जाते हैं, उसी तरह इनके अंदर भी TAH में यांत्रिक वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व का क्या फायदा होता है, रुधिर एक जगह से दूसरी जगह बढ़ गया ना तो फिर बैक होने नहीं पाता, तो यहाँ कृत्रिम वॉल्व का भी प्रयोग किया जाता है इस पूरे तंत्र में। देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है, फिलहाल ये नेचुरल हार्ट है इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट्स को जोड़ा गया है एक वॉल्व से, और यहाँ देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट्स को जोड़ा गया है, और यही पीछे जो है एक डिवाइस है वही जो बैक पे रखा हुआ है। और ये देखो ये पता है ये उसके स्टमक से आता है, उस लेडी के स्टमक से जोड़ा गया है, ठीक है। आप देखिए इस पिक्चर में देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए इस पिक्चर में आपको चीज़ें क्लियर। देखिए इसको इस बैग से लेकर इसको इसके स्टमक से अंदर बॉडी के अंदर जोड़ा गया है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या मतलब कुदरत है, किस बारे में क्या बोला जाए आपको, ठीक है चलेगा। जनरली आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो फिर इस बारे में हमने बात कर ली है, जल्दी मान लीजिए किसी को अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है, अच्छा इसका जो वेट है तकरीबन वो कितना है, 14 पाउंड, ये मैंने आपको पहले बोला था 6 किलो के आसपास है, और ये पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल है, आसानी से ले जा सकते हैं। और इसको देखो, इसको घर के अंदर या फिर कार के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं इसकी बैटरी को। तो ये मतलब जो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा आज के बाद। अब ये इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं जो डिफरेंट फेसबुक डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल होते हैं, अब मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आने वाली। मैंने इसके वैज्ञानिक पहलू को पकड़ा है, इस वीडियो को मैंने आपको कहीं मोटिवेशन के लिए नहीं बनाया, कोई आपको चुटकुला या कहानी के लिए नहीं बनाया, क्योंकि आपको बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिले। थोड़ा मैंने इसमें टेक्निकल पार्ट को कवर किया है। अंत में इतना ही बोलूंगा दोस्त, इस पूरे के पूरे PDF को आप जाकर इस टेलीग्राम
से ले लें, और साथ ही साथ वीडियो के लिंक्स के लिए भी आप मुझसे वहाँ जुड़े रहें। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस होती हैं प्लस की क्लासेस, वो आपको unacademy.com/@RaviPegri2010 पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी है, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको 10% अतिरिक्त फीस में छूट भी मिल जाती है। अनअकैडमी आपको बेस्ट सब्सक्रिप्शन देता है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तारीफ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंटोर मिल जाता है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपके साथ लाइव सेशन में जुड़कर आपकी मदद करता है, आपकी प्रिपरेशंस में जिस तरह की आपकी समस्या होती है उसका निदान दिलाता है। साथ ही साथ यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में भी मदद मिलती है, स्टडी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्या कमियाँ हैं, और साथ ही साथ हम जैसे टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका भी यहाँ आपको मिलता है। अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन देता है। जनरल स्टडीज़ के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है जनरल स्टडीज़ के लिए, और इतना ही नहीं आपको ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी 10% तक छूट मिल जाती है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी, 0% EMI फैसिलिटी भी देता है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो यहाँ भी आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी एक नई चीज़ है जो आपके लिए लेकर आया है, स्पेशली डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, जो स्पेशल मेंटर्स हैं जो डिफरेंट विषयों के हैं वो आपके साथ जुड़कर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। अनअकैडमी का अगला बैच 8 जून और 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, भूलेगा नहीं, इस बैच को आप शुरू कर लें। 15 जून से जो हिंदी माध्यम का बैच हो रहा है वहाँ पर मैं विज्ञान तकनीकी के साथ कक्षा प्रारंभ कर रहा हूँ, और 16 जून से मेरी क्लास प्रारंभ हो रही है। आपको फिर मैं याद दे रहा हूँ, 16 जून से मेरी क्लास प्रारंभ हो रही है, आप इसे मत भूलिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा। लॉन्चिंग ऑप्शनल कार्निवल जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, 6 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो अनअकैडमी पर आपको दिए जा रहे हैं, जो हाईली डिमांडिंग है, हाईली मतलब ये भी कह लीजिए स्कोरिंग भी बहुत है, और आप सबको पता है कि ऑप्शनल के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप सब ऑप्शनल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लेते हैं। विज्ञान तकनीकी पर्यावरण की सारी क्लासेस यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। मेरी हिंदी मीडियम की क्लास 16 जून से स्टार्ट हो रही है, उसे ज्वाइन कीजिए, भूलेगा नहीं, शुद्ध हिंदी मीडियम में आपको बोलता हूँ। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अच्छा ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है, विज्ञान तकनीकी पर्यावरण आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने का मौका मिल जाता है। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 10% तक अतिरिक्त छूट लीजिएगा रवि यूपीएससी पर। अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे PDF को आप सीधा जाइए और इसी टेलीग्राम से ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, होशियार रहें। जय हिंद।